नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से हजारों अयोग्य लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। एनआरसी अधिकारियों ने जिला अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में जारी अंतिम सूची से अयोग्य लोगों के नाम हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद हजारों लोगों के नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिए गए। सूत्रों के मुताबिक एनआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी हितेश देव शर्मा ने एक पत्र में असम के 33 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और जिला रजिस्ट्रार नागरिक पंजीकरण को हजारों लोगों को हिरासत में लेने संबंधी आदेश जारी करने के लिए कहा। चिट्ठी में वरिष्ठ अधिकारी हितेश शर्मा ने लिखा कि आपकी तरफ से मिली हुई रिपोर्ट के हिसाब से कुछ अयोग्य लोगों के नाम घोषित विदेशी संदिग्ध मतदाता, विदेशी ट्रिब्यूनलों में लंबित उनके वंशजों के साथ एनआरसी में पाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी शर्मा ने प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि एनआरसी के स्थानीय रजिस्ट्रार को राज्य में एनआरसी के अंतिम लिस्ट जारी करने से पहले किसी भी समय जरूरी लोगों के नामों को सत्यापित करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि एनआरसी के नियम अधिकारियों को अंतिम सूची जारी करने से पहले गलत समावेशन को सत्यापित करने और हटाने की अनुमति देते हैं। हालांकि अंतिम सूची 3,30,00,000 लोगों की डिटेल के साथ 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। वहीं फरवरी महीने में एनआरसी के अधिकारियों ने पहल करते हुए जारी की गई अंतिम लिस्ट के बाद भी ये जांच की कि कहीं लिस्ट में अयोग्य श्रेणी के लोग तो शामिल नहीं हो गए। श्री शर्मा के मुताबिक कुछ डीसी और डीआरसीआर ने उन्हें लिस्ट में अयोग्य व्यक्तियों के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने डीसी और डीआरसीआर को अयोग्य लोगों के नाम और उनको लिस्ट से हटाए जाने के कारण देने को कहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।